पंचायत समिति नूरपुर के उपाध्यक्ष पद के लिए होने वाले प्रस्तावित चुनाव को लेकर पूर्व विधायक अजय महाजन ने सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपनाई गई तमाम औपचारिकताओं से प्रतीत होता है कि सत्ताधारी दल द्वारा पूरा दबाव बनाकर लोकतंत्र की हत्या करने पर तुला हुआ है। प्रशासनिक अमले के बल पर पद को हासिल करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ये नूरपुर के इतिहास में सबसे बड़ा दुखद प्रकरण है। ये बात नूरपुर के पूर्व विधायक ने राजा का बाग में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। महाजन ने चुनाव अधिसूचना पर ही सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि जो अधिसूचना पत्र प्रशासन द्वारा भेजा गया है वह 6 दिनों तक बीडीसी सदस्यों को क्यों नहीं मिला, जबकि ये आधिकारिक पत्र दोपहर बाद हाथों हाथ बीडीसी सदस्यों को दिए गए थे, जबकि चुनाव अगले दिन रखे गए थे, जो कि सरासर गलत है। सत्ताधारी दल द्वारा जिस तरह सभी अप्रशासनिक व राजनीतिक हथकंडों का प्रयोग कर उपाध्यक्ष के पद पर कब्जा करना चाहा है और बुरा दल बल लगाने के बाद भी कोरम पूरा न होने के चलते उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने उन विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी चिताया है कि जंगलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और विभिन्न पंचायतों के काम अधर में लटके हैं, लेकिन उत्तक विभागों के अधिकारी जनता की समस्याओं को हल करने की बजाय राजनीति करने में जुटे हैं और बीडीसी सदस्यों को डरा धमकाकर सत्ताधारी दल के पक्ष में वोट देने की वकालत कर रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक पहलू है। वह अपने कार्य से वास्ता रखें, वरना ऐसे अधिकारियों का शीघ्र ही पूरा चिट्ठा सामने लाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीडीसी सदस्यों को सत्ताधारी लोग नए नए प्रलोभन दे रहे हैं। वो वोटिंग के वक्त अलग तरह के निशान लगाने की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा धक्का कभी नहीं होने देगी जिससे लोकतंत्र की मर्यादा का हनन हो। इस मौके पर पंचायत समिति के अध्यक्ष सदेश डडवाल सहित अन्य ब्लॉक समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। जो उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति का चुनाव था होने जा रहा था, आज उसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि ये आज लोकतंत्र की प्रजातंत्र की आज हत्या हुई है। ये पहली बार हुआ है कि चुनावों से जो जब चुनाव होता है तो 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है और कल शाम को 4 बजे बीडीसी मेंबर्स को नोटिस दिया गया कि चुनाव आज 2 बजे है, जो बिल्कुल ही एक गलत ढंग है। हमारे कुछ बीडीसी मेंबर्स को उनके एक बीडीसी मेंबर उनके बेटा अस्पताल में है, उनको 4 बजे हॉस्पिटल में जाके नोटिस दिया गया, बाकी सबके घरों में जाके सेक्रेटरीज ने जाके नोटिस दिया कि चुनाव का आज के बारे में, और उसमें ये यहां तक कि 2 बजे का टाइम दे दिया और कुछ नहीं लिखा गया कि कितने से कितने बजे तक है। और जो चिट्ठी गई है इनको उसमें डेट 10 तारीख की डाली हुई है पीछे, तो एक बहुत बड़ी ये साजिश है। और मैं यहां के जो माननीय विधायक हैं उन्होंने जितने यहां के प्रशासन अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि सबको डराया धमकाया जाए, और जो प्रशासन के लोग हैं अन्य डिपार्टमेंट जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आईपीएच डिपार्टमेंट है, ब्लॉक का जो दफ्तर है, इनके जो जितने अफसरान हैं ये अपनी मर्यादाएं का उल्लंघन करके ये सबके घरों तक गए हैं, डराया धमकाया है, और जो फॉरेस्ट में कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको यहां तक कहा जा रहा है कि आपके आरए सील कर दिए जाएंगे, जो आईपीएच में जो फिटर्स हैं उनके घरों को धमकाया जा रहा है कि आपकी ट्रांसफर्स कर दी जाएंगी, और ब्लॉक समिति के जो सेक्रेटरीज वगैरह हैं और जेईज हैं उनके माध्यम से भी हमारे बीडीसी मेंबर्स को डराया धमकाया जा रहा है। मैं माननीय विधायक जी को भी मशवरा देना चाहता हूं कि जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, चुनाव जो है फ्री एंड फेयर कराओ तो वही ठीक रहेगा। और जो प्रशासन के लोग हैं उनको भी मैं मशवरा देना चाहता हूं कि वो अपनी मर्यादा के अंदर रहें, अगर नहीं रहे तो हमें भी विवश होके उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले चुनाव 21 तरीके ने बोले हैं कि ये सारे जो हैं अब जो पीछे हो किया पिछले दिनों में वो द्वारा रिपीट नहीं करेंगे। और ये नूरपुर की जो एक पुरानी
एक परंपरा बनी हुई है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, उसको कायम रखेंगे और इसको मतलब एक प्रलोभन जो दे जा रहे हैं, जो ड्रायर धमकाया जा रहा है, इसको जो है अब ये नूरपुर में एटलीस्ट ये प्रथा नई शुरू ना की जाए।